हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। चलिए आज कुछ टॉपिक में बात करते हैं दोस्त, कि आप लोग गल्फ आ रहे हैं तो कि कौन सा ट्रेड का कितना सैलरी मिलता है गल्फ में। ओके, यानी कि कौन सा जॉब का कितना सैलरी की रहता है वो लोग का। ओके, चलिए आज बात करेंगे 8 से 10 जॉब का, वो लोग का सैलरी इतना रहता है। क्योंकि हमारे भाई साहब जो है, भाई लोग व्यूवर्स हमारे बहुत सा कमेंट करके पूछे हैं कि कौन सा जॉब का कितना सैलरी रहता है, तो वही मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ आप लोगों को वीडियो में। ओके, क्योंकि कोई भी भाई को कन्फ्यूज़न नहीं रहे। ओके गाइस, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, सबसे फर्स्ट हम बता दे रहे कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे अपने भाई को, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच, शुक्रिया दिल से भाई आप लोगों का। क्योंकि ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है, आप लोग इतना सपोर्ट करें भाई को, उसके लिए आपका भाई दिल से शुक्रिया बोल रहा है आप लोगों को। दिल से थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा ऐसा मैं वीडियो आप लोगों को बना के देते रहूँगा, आप लोग देखिए। आप लोगों को किसी से कुछ भी पूछने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से जा सकते हैं, गल्फ़ के बारे में जान सकते हैं। ओके गाइस, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए, फर्स्ट लेबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेबर बोल दीजिए उसको, हेल्पर बोल दीजिए, उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, हेल्पर लोगों का सैलरी रहता है ओमान का, ओमानी रियाल आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। उसको हम कन्वर्ट करके इंडियन रुपीस में भी बताएंगे। आप लोग जहाँ जा रहे थे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, कहीं भी, ठीक है। हम इंडिया से हैं तो हम आपको इंडिया का आपको बताएंगे कन्वर्ट करके कि कितना आएगा, ठीक है। देखिए, सबसे फर्स्ट लेबर का बता रहे हैं हम, लेबर लेबर हो या हेल्पर हो, कुछ भी, सबसे फर्स्ट अगर वो ओमान में अगर सिलेक्शन होता है वो लोग का, तो सबसे फर्स्ट अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में होता है तो वो लोग का सैलरी रहता है 70 रियाल, ओमानी रियाल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर ऐसे मेंटेनेंस जॉब में होता है तो वो लोग को सैलरी लगाता है 100 रियाल। ओके, अब प्लस फूड, फूड का पैसा अलग से देता है कंपनी, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में होता है तो 70 रियाल बेसिक लगाएगा वो लोग का, ठीक है। 70 रियाल बेसिक लगाएगा, फिर खाना अलग से देगा। 70 रियाल इसलिए लगाता है कि कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या होता है, ओवर टाइम ज़्यादा होता है, इसीलिए बेसिक कम लगाता है। अब मेंटेनेंस में क्या है, वो सब में ओवर टाइम कम रहता है, इसीलिए बेसिक ज़्यादा लगाता है, 100 बेसिक लगाता है। और प्लस ओवर टाइम, सॉरी ओवर टाइम नहीं, ओवर टाइम कभी कदा जब ज़्यादा काम रहता है तो ओवर टाइम चलता है, ठीक है। तो 100 रियाल बेसिक और प्लस 30 रियाल खाने का देता है। बहुत सा कंपनी 25 रियाल भी देता है खाने का, 30 रियाल भी देता है, ठीक है। ये हुआ हेल्पर का, हेल्पर लेबर जो भी आप लोग बोल लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है गाइस, उसके बाद आता है टेक्नीशियन का, ठीक है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन का आता है, इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रीशियन का सैलरी रहता है जैसा आप इंटरव्यू निकालेंगे, ठीक है, जैसे आप इंटरव्यू निकालेंगे वैसा सैलरी रहता है। फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं मिनिमम सैलरी टेक्नीशियन लोगों का ओमानी रियाल 250 होता है, ठीक है। 250 रियाल मतलब बेसिक कम लगाएगा, ठीक है। बेसिक आपको लगाएगा 150, 140 ऐसा बेसिक लगाएगा। इसमें क्या करता है, अलग से अलाउंस डाल देता है। जैसे आपको 150 बेसिक लगाया है ना, तो आपको अलाउंस डाल देगा 50 रियाल, 60 रियाल, 70 रियाल, ऐसे अलाउंस डाल देगा कंपनी। क्यों क्यों डालता है, क्योंकि आप इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन में ये सब में टेक्नीशियन लोगों का काम में ओवर टाइम अगर मिलेगा तो बेसिक का हिसाब से सैलरी ओवर टाइम आएगा, इसलिए बेसिक कम करके आपको अलाउंस में डाल देता है। तो टोटल समथिंग 250 तक का ही जाता है खाना वाना लेके, क्या समझे, 250 बच ही जाता है, 250, 220 ऐसा बच जाता है, क्या समझे, 250, 220 ऐसा बच जाता है टेक्नीशियन लोगों को खाना वाना खा के। अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में आते हैं टेक्नीशियन भाई लोग, तो आप लोगों को 230, 250 खाना वाना खा के, आप लोगों का मोबाइल उबाइल खर्चा लेके आप लोगों का बच जाएगा इतना, ठीक है। फिर आते हैं उसके बाद आपका एसी टेक्नीशियन में, ठीक है। एसी टेक्नीशियन का ओमानी रियाल का सैलरी होता है
150 रियाल, 150, 180, 200, 220 ऐसा सैलरी होता, ओमानी रियाल बता रहे, ठीक है, ऐसा रहता है। एसी टेक्नीशियन लूँगा, जैसा कंपनी रहता है उस हिसाब से सैलरी लगाता है। जैसा आप इंटरव्यू निकालेंगे, ठीक है, मिनिमम सैलरी तो आपको 200 तक का मिलेगा ही एसी टेक्नीशियन में, ठीक है, 200 से 180 सैलरी मिलेगी एसी टेक्नीशियन का, क्या समझे, जैसा इंटरव्यू निकालेंगे। ओके, फिर उसके बाद आता है वेल्डर का, ठीक है, वेल्डर का सैलरी रहता है ओमान में 160, 170 रियाल, 150 रियाल, 130 रियाल, ऐसा सैलरी रहता है। मतलब खाना पीना खा के 130 रियाल, 140, 170, 160 ऐसा सैलरी रहता है। खा पी के आप लोगों को इतना बचेगा, ठीक है। अब आप लोग ये जितना हम बताए हैं आप लोग इसमें चेक कर सकते हैं कितना बन रहा है, ठीक है, किसका कितना बन रहा है आप लोग चेक कर लीजिए। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो हमको कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को बताएंगे कितना बनेगा, नहीं बनेगा, क्या रेट चल रहा है अभी का। देखिए अभी का ओमानी रियाल रेट चल रहा है 192 रेट चल रहा है, ठीक है, 192 पॉइंट समथिंग कुछ चल रहा है, ठीक है। आप लोग इंडिया क्या नाम है गूगल में जाके चेक कर सकते हैं, क्या समझे, टुडे करेंसी इंडियन टू ओमान, आप लोग मारेंगे तो आप लोग आ जाएगा। तो आप लोग सिर्फ खाली उसमें ओमानी रियाल, जैसे आप लोगों का 160 हो गया, 170 हो गया, 200, 200 डालिए, आप लोगों को नीचे इंडियन रुपीज़ में बता देगा कि इतना बन रहा है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को वीडियो बना के देंगे दूसरा अदर ट्रेड का, कि किसका कितना सैलरी रहेगा। ओके गाइस, सैलरी कितना रहता है ओमान में, ठीक है, आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है गाइस, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बनाते बनाते, इसीलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इतना लंबा वीडियो बने। ओके गाइस, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को, फिर से हम बोल रहे हैं दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आप लोग हमको इतना सपोर्ट कर रहे भाई लोग, ठीक है। सब भाई को मेरा जो भी वीडियो नया अगर देख रहे, कोई भी बंदा जो नया वीडियो मेरा देख रहा है उसको उसको भाई दिल से शुक्रिया, आपने मेरा वीडियो देखा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैं ऐसा ऐसा वीडियो बनाता ही रहता हूँ। ओके गाइस, चलिए फिर, थैंक यू सो मच।